सो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ट्रेन संख्या 01068 के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, जैसे कि ये ट्रेन कौन से स्टॉप पे कितना बजे पहुंचती है, ट्रेन की टाइमिंग क्या है, किस क्लास में आप टिकट लेते हैं तो कितना किराया लगने वाला है। यहाँ पे आपको बिल्कुल कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों मैं इस चैनल पर IRCTC रेलवे से अपडेट और न्यू ट्रेन के बारे में जानकारी देते रहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे इस ट्रेन की डिटेल्स की बात करें तो ट्रेन संख्या 01068 फैजाबाद जंक्शन से लोकमान तिलक टर्मिनस के लिए सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन है और ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलती है फैजाबाद जंक्शन से लोकमान तिलक टर्मिनस के लिए, जो कि थर्सडे और संडे को ये ट्रेन चलाई जाती है। फैजाबाद जंक्शन से ये ट्रेन दिन में 1:30 पर निकलती है और शाम को 4:05 पर आपको ये ट्रेन लोकमान तिलक टर्मिनस पहुंचाती है। यहाँ पे दोस्तों ये ट्रेन टोटल 1505 किलोमीटर की दूरी 26 घंटा 35 मिनट में तय करती है और सफ़र के दौरान ये ट्रेन टोटल 19 स्टेशनों पर रुकती है, जिसमें से फैजाबाद और लोकमान तिलक टर्मिनस दोनों इंक्लूड हैं। ये ट्रेन दोस्तों प्रतापगढ़ और प्रयागराज जंक्शन में ये ट्रेन बहुत लंबे समय तक स्टॉप लेती है, जो कि 25 मिनट तक का ये ट्रेन ठहराव लेती है। और इस ट्रेन में अगर क्लासेस की बात की जाए, श्रेणी की बात की जाए, तो इस ट्रेन में सभी तरह के श्रेणी दी गई हैं केवल फर्स्ट एसी को छोड़ के। यहाँ पे दोस्तों आप 2 सीटिंग स्लीपर 3 टीयर 2 टीयर में टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस ट्रेन में कोटा की बात की जाए तो इसमें जनरल, तत्काल, सीनियर सिटीजन और लेडीज़ का कोटा दिया गया है, आप इन सभी कोटा के तहत टिकट ले सकते हैं। अगर इस ट्रेन में किराए की बात की जाए तो आप अगर 2 सीटिंग में इसका टिकट लेते हैं फैजाबाद जंक्शन से लोकमान तिलक टर्मिनस तक तो आपको पड़ेगा 395 रुपये, स्लीपर में 655 रुपये, 3 टीयर में 1715, 2 टीयर में 2465 रुपये का किराया जाने वाला है। यहाँ पे दोस्तों अगर इस ट्रेन में स्टॉप की बात करें तो टोटल 19 स्टॉप हैं और यहाँ पे मैं आपको स्टेशनों के टाइम टेबल की जानकारी दूंगा। ये ट्रेन फैजाबाद जंक्शन से 1:30 पर निकलती है, जो कि 13:30 पे, और इसके बाद इस ट्रेन का दूसरा स्टॉप आता है सुल्तानपुर जंक्शन। सुल्तानपुर जंक्शन में इस ट्रेन की टाइमिंग हो जाती है दिन में 2:45 और ट्रेन यहाँ पे केवल 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है। यहाँ पे दोस्तों कुछ स्पेशल ट्रेनों को ट्रेन क्रॉस करती है और फिर यहाँ से पहुँचती है प्रतापगढ़ जंक्शन, और प्रतापगढ़ जंक्शन में इसकी टाइमिंग हो जाती है दिन में 3:45। यहाँ पे ट्रेन 25 मिनट रुकती है और फिर यहाँ से ट्रेन सफ़र के लिए रवाना होती है। अगला स्टेशन इस ट्रेन का आता है प्रयागराज जंक्शन, और प्रयागराज जंक्शन में भी ये ट्रेन ठहराव लेती है 25 मिनट के लिए, जो कि शाम को 6:25 पर ट्रेन प्रयागराज पहुँचती है। यहाँ से ट्रेन का 5वां नंबर स्टॉप आता है, जो कि मानिकपुर जंक्शन होता है, और मानिकपुर जंक्शन में ये ट्रेन पहुँचती है रात को 8:46। और इस ट्रेन का दोस्तों मानिकपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश का लास्ट स्टॉप होता है। यहाँ से जब ट्रेन रवाना होती है तो पहुँचती है सतना, और वो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सतना में इसकी टाइमिंग हो जाती है 21:45 और ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है। यहाँ पे दोस्तों ये ट्रेन कुछ ट्रेनों को कोविड स्पेशल ट्रेनों को क्रॉस करती है और पहुँचती है कटनी जंक्शन। कटनी में इस ट्रेन की टाइमिंग हो जाती है रात को 11:05 और ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है। 433 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये ट्रेन तय करती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है जबलपुर, और जबलपुर में इसकी टाइमिंग हो जाती है रात को 12:25। ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट ठहराव लेती है, 524 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यहाँ पे इस ट्रेन को दूसरा दिन लग जाता है। तो दोस्तों इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है इटारसी जंक्शन, और इटारसी जंक्शन इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप होता है मध्य प्रदेश में। टाइमिंग होती है दोस्तों सुबह के 4 बजे और 4:10 पर ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 669 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये ट्रेन तय की रहती है। इसके बाद ये ट्रेन यहाँ से जब रवाना होती है तो पहुँचती है अपने अगले स्टॉप पे 13 नंबर, जो कि बुरहानपुर, और बुरहानपुर में इसकी टाइमिंग होती है 7:23। ट्रेन यहाँ पे 1022 किलोमीटर की दूरी तय की रहती है। यहाँ से दोस्तों जब ये ट्रेन रवाना होती है तो पहुँचती है 14 नंबर स्टॉप पे, जो कि भुसावल जंक्शन, और सुबह के 8:20 हो जाते हैं। ट्रेन 5 मिनट रुकती है, 1076 किलोमीटर की दूरी तय की रहती है। यहाँ पे कुछ यात्री इस ट्रेन से उतरते हैं और ये ट्रेन 5 मिनट रुकने के बाद कई सारी ट्रेनों को क्रॉसिंग देती है और फिर यहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। पहुँचती है दोस्तों ये ट्रेन 15 नंबर अपने स्टॉप पे, जो कि मनमाड़ जंक्शन,
और मनमाड़ जंक्शन में इसकी टाइमिंग होती है सुबह के 10:43। ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट केवल ठहराव लेती है। 1260 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक तय की रहती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन जब यहाँ से रवाना होती है तो पहुँचती है नासिक रोड, और नासिक रोड में कुछ यात्री इस ट्रेन से उतरते हैं। टाइमिंग होती है 11:47। ट्रेन 1333 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक तय की रहती है। नासिक के बाद दोस्तों इस ट्रेन का 17 नंबर स्टॉप आता है जो होता है कल्याण जंक्शन, और कल्याण जंक्शन में तकरीबन ये ट्रेन 50% के आसपास खाली हो जाती है। टाइमिंग होती है दिन में 2:42। ट्रेन यहाँ पे 3 मिनट ठहराव लेती है। 1467 किलोमीटर की दूरी तय की रहती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है 18 नंबर थाने, और थाने में इसकी टाइमिंग होती है दिन में 3:07। ट्रेन यहाँ पे 3 मिनट रुकती है। 1487 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद दोस्तों जब ये ट्रेन यहाँ से रवाना होती है तो कुछ ही किलोमीटर के बाद इसका अगला स्टॉप आता है लोकमान तिलक टर्मिनस, और ट्रेन फाइनली 1505 किलोमीटर की दूरी आपको शाम को 4:05 पे पहुँचाती है। टोटल ये ट्रेन 1505 किलोमीटर की दूरी अपने 26 घंटा 35 मिनट में तय करती है। सो दोस्तों जिस तरह से हमने आपको यहाँ पे ट्रेन संख्या 01068 के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया है, अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए।